आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट नॉलेज ड्यूएल पे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनसीईआरटी का क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज मैंने उसका सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आया है। सो आपका काम है बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है वो सारा सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो लेक्चर क्लासेस भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड होगा। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको हर क्लास के एनसीईआरटी बेस पे जितने भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मिलेगा। सो आप मेरे बाकी भी वीडियो देख सकते हो, उसमें आपका अलग अलग क्लास के हैं। अगर आपके कोई छोटे या बड़े भाई हैं आप उनको भी ये शेयर कर सकते हो। सो हमारा है सेकेंड क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर ऑफ अ चार्ज। ये जो स्फेयर का बात किया जा रहा है ना, ये स्मॉल स्फेयर, ये लाइक एक बॉल की बात किया जा रहा है। एक छोटे से कोई बॉल का बात करो या उससे भी छोटे का बात किया जा रहा है। एक आप कंचा जिसे बोलते हो उसका बात कर सकते हो, जिसे हम लोग तो कंचा ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो आई डोंट नो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर ऑफ अ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ अ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर, एंड सेकेंड फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखो बच्चों, अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहला कि हमें यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वो चार्जेस के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि चार्ज से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है। यहाँ पे स्मॉल स्फेयर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमें डेटा देखना है कि क्या क्या डेटा गिवेन है। सो बेसिकली डेटा के बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास चार्जेस तो है, वो चार्जेस हैं दो, एक 0.4 माइक्रोकूलम, एक है 0.8 माइक्रोकूलम। ये जो ऑलरेडी आपका यहाँ पे अंडरलाइन किया होगा ये सब कुछ, ये मैंने काफ़ी पहले दो तीन वीडियो बनाए, बट कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से बार बार डिलीट करना पड़ रहा था। सो बेसिकली मैंने अभी लास्ट सोचा कि जैसा ही बने इसको आप लोग तक पहुँचाना है। सो स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, यहाँ तक आप समझ गए हो। यहाँ पे हमारे पास फोर्स भी अवेलेबल है, दो चार्जेस भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी कि इससे पहले, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो वहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल था, चार्जेस हमारे पास अवेलेबल थे, और हमें फोर्स फाइंड आउट करने थे। सो बेसिकली क्वेश्चन तो वही है, हम लोग फार्मूला तो हम लोग वही अप्लाई करने जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज आप भी जानते हो कि स्पीड इक्वल टू आपका क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, या डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। और हम लोग सेम ही फार्मूला को बस इधर से उधर करके हम लोग आंसर ले आते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे आपका सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डेटा जरूर लिखेंगे, क्योंकि डेटा के बेस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। सो डेटा अगर देखोगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अलग से एक शीट रखा हुआ है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे डेटा लिखने से वो समझ में आएगा आपको। तो हमारे पास जो डेटा है ऑलरेडी, वो डेटा आपका गिवेन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और हमारा फर्स्ट स्फेयर जो दिया हुआ गिवन है, वो फर्स्ट स्फेयर में हमारा फोर्स गिवन है जो है वैल्यू 0.2 न्यूटन। फर्स्ट स्फेयर में थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको फर्स्ट स्फेयर ये लिख सकते हो। उस पर चार्ज जो है यानी Q1 जो है वो है हमारा 0.4 माइक्रो कूलम, और 0.4 × 10⁻⁶ कूलम लिखते हैं, क्योंकि ये माइक्रो का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁶ होता है। ये आपको लर्न रखने होंगे, याद रखने होंगे, दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया। सेकेंड है हमारा कि सेकेंड, तो सेकेंड में हमारा फोर्स गिवेन नहीं है, सेकेंड स्फीयर में फोर्स गिवेन नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें Q2 यानी कि चार्ज गिवेन है, और वो है हमारा -0.8 माइक्रो कूलम, और इसे हम लोग लिखेंगे -0.8 × 10⁻⁶ कूलम। सो बेसिकली ये हमारे पास डेटा है, और डेटा के बेस पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है
हमें यहाँ पे फोर्स का ही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, यानी फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, R² फाइंड आउट करना है। और इसका जो वैल्यू होता है, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, ये कांस्टेंट के मानते हैं, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो बेसिकली ये तो वैल्यू फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे हमें निकालना, फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। क्योंकि आप पहला क्वेश्चन में देख सकते हो, पहला क्वेश्चन में उसने बोला व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। और डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इट मीन्स कि R² हमारा जो नया रिलेशन बनेगा वो R² / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2 / F। अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि R² = 1/4 पाई की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 9 × 10⁹ इंटू Q1 की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0.4 × 10⁻⁶ इंटू 0.8 × 10⁻⁶ सॉरी -6। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, आप यूनिट जरूर दे देना, मैं इसमें भूल गया, बट आप यहाँ से इसको जरूर देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन अगर यूनिट रहेगा तो आपको पता चले कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं। नीचे हमारा 0.2 न्यूटन जो कि फोर्स गिवन था वो हमने लिख दिया। यहाँ से देख सकते हो आप कि आपका जो ये न्यूटन है, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, आपका ये जो चार्ज है वो चार्ज, ये दो चार्ज से कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ मीटर। और आपको पता है कि लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, और डिस्टेंस हमें निकालना है, और डिस्टेंस लेंथ में ही होता है। सो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना था, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे R² = 9 × मैंने हमेशा बोला कि नंबर को एक साइड ले आते हैं, यहाँ ये नंबर को एक साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे 9 × 0.4 × 0.8 × और बाकी जो 10 हैं उनको एक साइड ले जाएंगे, तो यहाँ रहा 10⁻⁹ × 10⁻⁶ × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आपका हो गया 0.2। सो बेसिकली अब हमारे पास बचा है कैलकुलेशन पार्ट, यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे बचा था मीटर, वो आप मीटर लास्ट में लिख दो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ से मैं कट कर दिया। अब यहाँ से सॉल्व करना है, तो देखो बच्चों हमने जैसे यहाँ पे लिखा तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, 9 × जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि 9 × 4/10, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये डेसिमल हटा देते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए, इंटू 8/10 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ मीटर पर 0.02 की जगह 2/10 लिख सकते हैं। सो बच्चों यहाँ तक कैलकुलेशन तो आप इजी मेथड से कर सकते हो, यहाँ तक हो गए। अब यहाँ से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखो ये जो दो जीरो हैं ये दो जीरो ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो यानी कि माइनस हो जाएंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, तो -12 हो गए। -12 में ये दो जीरो और ऐड हो जाएंगे कि ये ऊपर जाएंगे तो -2 हो जाएंगे, तो आपके ये हो जाएंगे आपके -14। और -14 में से अगर आप +9 ये देखते हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, नया जो आंसर होगा वो होगा 9 × 4 × 8 × 10⁵ -5। अब डिवाइडेड बाय, पहले मैं ये लिख लेता हूँ, इंटू डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁰, मतलब 10 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, ये कैसे आपने किया, देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 10⁻⁶ है और ये भी आपका 10⁻⁶ है। सो माइनस माइनस ऑलवेज प्लस होता है, तो ये हो गए 12, ये दो जीरो जब ऊपर गए हैं तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे, तो हो गए -14।
-14 में से अगर 9 माइनस कर दो तो हो जाएंगे आपका 10 to power -5, और ये जो 10 है जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10। आप बोलोगे सर ऊपर गया तो माइनस होना चाहिए, नहीं ना, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये यहाँ जाते हैं तब माइनस, फिर यहाँ जाएंगे प्लस, तो इट सॉरी यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ से आपका यहाँ जाते तो आपका माइनस होते, और यहाँ पे जाने के बाद फिर ऊपर गए हैं तो प्लस हो गया, दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे 10 लिखा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 और 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे ये प्लस यानी कि 1 है और ये -5 है, तो 9 2 जा, या आप 9 2 जा 18 बोलो, इंटू 8 इंटू, और ये एक माइनस हो जाएगा इसमें, तो 10 to power -4 meter। अभी आप देख सकते हो कि 18 8 जो होता है 144 into 10 to power -4 meter। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, आंसर कंप्लीट नहीं होने के पीछे कई रीज़न है, रीज़न सिंपल है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपने मतलब हम लोगों से एक और गलती हुआ था कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, मैंने लास्ट टाइम बताया मीटर स्क्वायर, अब आप बोलोगे क्यों मीटर स्क्वायर होगा, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, नॉट अ मीटर है, तो इसीलिए मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ये रहा हमारा मीटर स्क्वायर, ये रहा मीटर स्क्वायर। सो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब क्या है कि इसको यहाँ पे हमारा था आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो बेसिकली आर इक्वल टू हमारा होगा अंडर रूट 144 into 10 to power -4 meter square। सो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे 144 का जो रूट ये करते हो तो ये आता है आपका 12, और ये होते हैं आपका 10 to power -4 है, तो ऑब्वियस बात है ये 4 है तो इससे कटेगा तो आपका होगा 10 to power -2, और मीटर का अगर रूट ये करोगे तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे ओनली मीटर, यानी कि आपका जो है 12 into 10 to power -2 जो है ये आपका आंसर आया। अब एक चीज़ आप देखोगे कि आप यहाँ पे 10 to power -2 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.12 meter, क्योंकि यही जो डॉट के बाद डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं वही आपका ऊपर पावर में ऐड होते हैं, तो हमने वो नीचे लिख दिया, तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 और 1 2 1 2 और 1 2। सो बेसिकली ये हमारा आंसर रहा आज का, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, हमें करना कुछ नहीं था, हमें बस क्वेश्चन के हिसाब से चलना था। यहाँ पे बोला गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेयर, तो मैंने वहाँ पे डिस्टेंस आपका फाइंड आउट करा है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी कि हमें अब फाइंड करना है फोर्स, ठीक है, फोर्स फाइंड आउट करना है जो कि आपका सेकेंड स्फेयर पे होगा, किसके वजह से, तो फर्स्ट स्फेयर के वजह से, तो हम लोग इसको बनाएंगे। एक इसके लिए दूसरा आंसर शीट ले आते हैं, दूसरा आंसर शीट पे हम लोग लिखेंगे इसको, इसका आंसर बाबू बहुत ईजी है, इसका आंसर अगर मैं बात करूँ सेकेंड वाले का, तो सेकेंड वाला का जो सोल्यूशन होगा यानी कि बी बी नंबर का, उसका लैंग्वेज में है तो हम लोग लिखेंगे बॉट, एक सेकेंड बॉट, कैमरा कुछ ज़्यादा हिल रहा है आपका, तो ये हम लोग लिखेंगे बॉट द स्फेयर अट्रैक्ट इच अदर विथ विथ द सेम फोर्स। इट मीन्स वॉट कि दोनों जो स्फेयर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सेम फोर्स से। इस तो सेम फोर्स क्या था, पहला का फोर्स क्या था आपका, पहला का था हमारा 0.2 न्यूटन, तो फिर सेकेंड का भी कितना हो जाएगा क्योंकि सेम बोला है, तो इसलिए हम लिखेंगे द फोर्स ऑफ फोर्स ऑन द सेकेंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट इज
0.2 न्यूटन, यानी कि सेम होगा। तो सेकेंड का था थ्योरेटिकल था, और ये क्यों ऐसा हुआ वो तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया कि बोथ द स्फेयर अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स, द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट इज 0.2 न्यूटन। सो बेसिकली आपका ये हो गया सेकेंड का आंसर, फर्स्ट का आंसर ऑलरेडी हमने बताया। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग को लेक्चर क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए देना पड़ेगा मुझे। सो मैं जल्द से जल्द आप लोग को वो लेक्चर क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा, और अगर कोई सजेशन है इससे रिलेटेड कि कोई दिक्कत हो रहा है आपको, तो आप कमेंट में सेक्शन में मुझे बता सकते हो, उस पर वर्क किया जाएगा। और बाकी आपको लाइक हो, लाइक अगर सही लगा तो आप लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ या अपने बाकी क्लासेस के भी जो वीडियो है वो उनसे शेयर करना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, फिर आपको बहुत ही सही सही चीज़ें मिलते जाएंगी। और जैसा भी है आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू, बाय।